आज का वीडियो अंत तक देखें। आज का वीडियो जो है वो महिलाओं के लिए काफी खास है और खासकर उस मैरिड कपल के लिए काफी खास है जिनको कि प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है महिलाओं को और वो संतान सुख से वंचित है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एक सक्सेस स्टोरी। एक हमारे पेशेंट है जो हमारे पास में आई थी और उनको पीसीओडी की शिकायत थी। पीसीओडी जो उनका ट्रीटमेंट था वो लगभग 1 अप्रैल से हमने उनको शुरू किया था और अभी रिसेंटली सितंबर में जब हमारे पास में आई थी वो, तब उनका जो राइट ओवरी के अंदर जो सिस्ट था वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो गया था और उनकी जो राइट ओवरी थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उन रिपोर्ट्स की इमेजेस भी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके होम्योपैथी के लिए। महिलाओं से जुड़ी चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे पीसीओडी है, चाहे यूट्राइन फाइब्रॉइड है, चाहे उनको एंडोमेट्रिसिस है, फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ रहे हैं, या उनकी जो मेंसेस हैं मेंसेस रेगुलर नहीं है, उनको थायराइड की समस्या है, ऐसी जो भी कंडीशंस होती हैं वहाँ पर होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है। होम्योपैथी में इस तरह की समस्याओं में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जरूरत होती है थोड़े से पेशेंट्स की, अगर पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे इसमें बेनिफिट्स या रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी की कि हमारे पास ये जो पेशेंट है वो कब आई थी और किस समय उनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। जब वो हमारे पास आई थी उनकी जो रिपोर्ट थी उसके वो उसकी इमेज भी आपके साथ में शेयर करूंगा, उस समय उनकी क्या साइज थी पीसीओडी की, और जब उनका ट्रीटमेंट जब हमने अभी सितंबर में जब लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड कराई थी तब उनकी जो सिस्ट थी उसकी क्या स्थिति थी, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे आखिर जो पीसीओडी है, जिसको कि पीसीओएस भी कहते हैं, ओवेरियन सिस्ट भी कहते हैं, आखिर ये पीसीओडी है, पीसीओएस होता क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, इन सभी बातों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पीसीओडी जो होती है यह बेसिकली महिलाओं का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं में होने वाली या गर्ल्स के अंदर ये होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। इसके अंदर महिलाओं में उनके पीरियड्स या मेंसेस जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। कई महिलाएं हैं जो आके बोलती हैं उनको पीरियड जो है वो दो दो तीन तीन महीने तक या छः छः महीने तक भी नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर मैसेज आते हैं तो बहुत ही कम उनको जो मैसेज होते हैं वो उनको डिस्चार्ज होता है। इसके साथ साथ ही महिलाओं में उनको एक्ने या पिंपल्स होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ही महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं उसमें पेन हो सकता है। उसके अलावा महिलाओं के जो जो उनका चिन वाला एरिया होता है, यहाँ पे अपर लिप्स वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर उनको हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर उनको जो पुरुषों की तरह उनकी बॉडी में जो बाल होते हैं, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है उनके हाथों पे, उनके पैरों पे, उनके चेस्ट पे। इस तरह से उनके जो बालों की अगर ऐसी ग्रोथ मिल रही है तो यह जो कहीं ना कहीं जो सिम्टम है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको पीसीओडी हो सकता है। इसके साथ साथ ही उनको शादी के बाद में प्रेगनेंसी में उनको काफ़ी परेशानी आती है। यह कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं पीसीओडी के अंदर। अगर ऐसी समस्या ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें, आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यह तो बात होगी इसके कौन कौन से ऐसे सिम्टम है जो कि देखने को मिलेंगे या पीसीओडी आखिर होता क्या है। अब हम बात करते हैं हमारे इन पेशेंट के बारे में कि जब ये हमारे पास में आए थे तब इनकी क्या कंडीशन थी और जब इनका ट्रीटमेंट हमने जब अभी रिसेंटली अल्ट्रासाउंड करवाया तब इनकी क्या स्थिति थी। यह जो पेशेंट है, यह पेशेंट जब हमारे पास आए थे 1 अप्रैल को इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और इनकी जो अल्ट्रासाउंड थी वो इनकी 2020 की अल्ट्रासाउंड थी जो कि लेके आए थे ये जून 2020, और उसमें इनको राइट ओवरी में इनको एक इसमें इनकी जो ओवरी थी उस ओवरी के अंदर जो सिस्ट बताई गई थी वो थी 35x30 mm की लगभग इनकी जो सिस्ट थी वो बताई गई थी। इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज हैं वो उनको आ रहे थे जब इनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और जब इनका रेगुलर ट्रीटमेंट चला और लगभग हमने अप्रैल से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी सितंबर में इनकी लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाई थी, और उस अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे, मैं अभी उसकी इमेज शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, आप देखेंगे कि उसमें कोई भी सिस्ट देखने को नहीं मिल रही है, वो अल्ट्रासाउंड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बता रहा है। इन्होंने तसल्ली के साथ काफ़ी पेशेंट्स के साथ बड़े रेगुलरिटी के साथ ट्रीटमेंट लिया और रिजल्ट्स आपके सामने। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, अगर ऐसी समस्याएं हैं या और कोई भी क्रोनिक कंडीशन है जहां पर आप लंबे समय से किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, आप हर तरह की ट्रीटमेंट लेके थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप इस तरह की कोई भी समस्या होती है, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे वो फाइब्रॉइड है, चाहे वो एंडोमेट्रोसिस है, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ रहे हैं या इनफर्टिलिटी की शिकायत है, इसके अलावा और भी दूसरी जो भी डिजीज़ होती है जो कि लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, मैं सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप इस तरह की समस्याओं को ठीक करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। होम्योपैथी में जो ऐसी जो कंडीशंस होती है या इसके अलावा जो भी क्रोनिक कंडीशंस होती है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी में स्किन से रिलेटेड
चाहे वो आपको कोई भी डिजीज आ रही है, चाहे वो आपको किडनी स्टोन हो गए हैं, चाहे आपको पाइल्स या फिशर हो गए हैं, या आपको अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, या आपको और भी कोई तरह की बालों से संबंधित कोई समस्या आ रही है और लंबी समय से आप किसी न किसी कोई क्रोनिक कंडीशन से आप जूझ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है। आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना पता अपना डिटेल यहाँ पे दिया है। यह वीडियो आपके साथ शेयर करने का अगेन आई विल से मोटो यही होता है कि आपको होम्योपैथी के प्रति कॉन्फिडेंस मिले और आपको लगे कि हाँ होम्योपैथी अगर तसल्ली के साथ ली जाए तो इनक्योरेबल डिजीज जो होती है या जो ऐसी बीमारियां जो कि आपको लंबे समय से आपको परेशान कर रही है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।